नमस्कार दोस्तों, बिंजेन कुक में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कैरमल मखाना या फिर कहें गुड़ मखाना। ये कैसे बनता है जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं हेल्दी ये मखाना। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने लिया है 1 चम्मच घी, जिसमें हम डालेंगे करीब 100 ग्राम जितने मखाना और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जी हाँ, ये तब तक भुनने हैं जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाएं। तो कुछ ही देर के बाद ये मखाना हमारे ब्राउन हो जाएंगे और फिर वो क्रिस्पी भी हो जाएंगे। देखिए 5-7 मिनट में ही ये मखाना तैयार हो गए। अब इसी कढ़ाई में हम लेंगे 2 चम्मच घी और साथ ही इसमें डालेंगे आधी कटोरी गुड़, ये करीब 50 ग्राम जितना है। इसमें 2 टेबलस्पून हम पानी डालेंगे और इसको गर्म करेंगे, इसको पिघलने देंगे और जब अच्छी चाशनी बन जाए तब तक इसको उबालना है। तो देखिए कुछ देर के बाद ये चाशनी तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे मखाना भुने हुए। इसको अच्छी तरह से मिला लें ताकि ये गुड़ जो है वो मखाना के चारों ओर लिपट जाए। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा ये मखाना। आप इसको ठंडा होने के बाद अलग कर लें और इसकी आवाज़ से ही आपको पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए है ना मज़ेदार, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जो बच्चे मखाना नहीं खाते हैं, ये गुड़ मखाना या फिर कहें कैरमल मखाना, वो सामने से मांग मांग कर खाएंगे। तो सर्दियों में सेहत के लिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है, इसको आप ज़रूर आजमाएं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक कीप बिंजिंग, कीप कुकिंग, बी हेल्दी।